ये वाले चौराहे से राइट कभी संत कपिलधारा और कभी चबूतरा। ये नर्मदा पुल है, इसी रास्ते से हम लोग आते हैं जब पैनर रोड से आते हैं। तो यहाँ से आगे संत कबीर सरोवर है 3 किलोमीटर, और हम देखते हैं जाएंगे कि नहीं। ये कपिलधारा का लक्ष्मण घाट के नाम है। यहाँ से आगे ये पार्किंग है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, टू व्हीलर शायद जाती है, हम तो लेके जा रहे हैं। यहाँ तक ही पार्किंग है वैसे। और ये वो जो चौक था वहाँ से 5 किलोमीटर स्ट्रेट था, यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ थे लंबे लंबे, और भी बहुत बड़े बड़े अलग अलग पेड़ थे, उनके नाम तो मुझे नहीं पता है। बड़ा अच्छा रास्ता था पूरा ड्राइव के लिए। ये कपिलधारा वाला, यहीं से बनती है कपिलधारा, और वहाँ से रूट है नीचे जाने का जो दुग्धधारा बनता है, मतलब यही दुग्धधारा बन जाती है। यही नीचे है, ये हमारा कपिलधारा। मुझे वाटरफॉल तो अच्छा है, सच में लग रहा है कि दूध है जैसे, एकदम हाइट अच्छी हाइट है इसकी वाटरफॉल की। यहाँ से ऊपर से ट्रैक है जो ऐसे जाएगा, वहाँ लोग दिख रहे होंगे आपको, वैसे यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ से कपिलधारा दिख ही जाता है, मैंने आपको दिखाया। अबन चलते हैं नीचे दुग्धधारा देखने, क्योंकि अच्छा लग रहा है वाटरफॉल लाइक, नीचे से अच्छा व्यू आएगा, वीडियोस फोटोज भी आएंगे। थोड़ा सा चलना है तो क्या दिक्कत है। अमरकंटक फैमिली स्पॉट है, मतलब अच्छे से फैमिली के साथ आओ, गाड़ी लेके अपनी स्पेंड करो टाइम। 2 दिन में पूरा कवर हो सकता है सारे स्पॉट्स, और अच्छे से और एंजॉय करना है तो फिर हर स्पॉट में अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस से आप मज़े कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा रास्ता है सीधा सीधा, और उधर से फिर नीचे उतरना है। दूधधारा मार्ग, दूरी 200 मीटर। कैलाश आश्रम कपिलधारा जलप्रपात, दुर्वासा ऋषि गुफा, दूधधारा वहाँ। अच्छा, यहाँ से दुर्वासा ऋषि की मेरी मम्मी ऊपर बैठी हैं, वो नीचे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ऐसा है तो यही रास्ते से मैं आ गई। ऐसा पत्थरों वाला रास्ता है, शूज पहन के आना। यहाँ बहुत सारा हुआ रहा है।
नरोत्तम और बसंती मुझे मिले हैं यहाँ पर, ये दूध धारा की नरी, इन लोगों ने ही मेरा फ़ोटो शूट किया है। बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे मतलब आप किसी से हेल्प मांग सकते हो और आपके लोग हेल्प कर सकते हैं। मैं अकेली आई थी लेकिन अब यहाँ पर हम लोग मज़े कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। आई डोंट नो आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, यहाँ आवाज़ मत कम आ रही होगी।